अलवर की गोविंदगढ़ पुलिस ने मिलावटी घी की सप्लाई करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी सरस के नाम से मिलावटी घी की सप्लाई करते थे। पुलिस ने इनके पास से 67 किलो मिलावटी घी भी बरामद किया है। थाना प्रभारी सज्जन सिंह नेहरा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने सेमला मार्ग पर एक वैन की तलाशी ली, जिसमें मिलावटी घी की सप्लाई का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। नकली घी की सप्लाई कस्बे में होनी है, उसके लिए हमने जो भी पूर्व सूचना मिल गई थी तो सरस डेयरी से अधिकारियों को बुलाया था और अपने जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं अलवर से उनको भी बुला लिया था और एक संयुक्त कार्रवाई हमने करी है। तो करीब 11-12 बजे एक वैन उधर से सेमला रोड पर आ रही थी, उसको हमने रोका, पकड़ा, उसमें चेक किया और जो सरस डेयरी के अधिकारी हैं उनके द्वारा चेक करवाया गया तो उसमें ये जो सरस डेयरी के नाम से बने हुए कुछ नकली घी के डिब्बे उन्होंने हमें बताया, उस पर नियमानुसार कार्रवाई की गई, उनको डिब्बा को जब्त किया गया है, गाड़ी को जब्त किया गया और मुझे गिरफ्तार किया गया। कितना घी पकड़ा गया? ये करीब 3 कार्टन है, 3 कार्टन में 2 कार्टन में तो आधा किलो के डिब्बे हैं करीब 60 और 1 कार्टन में 1 किलो के करीब 35 डिब्बे। तो सर ये कहाँ बन रहा है नकली घी जो बन रहा है, ये इनसे पूछताछ की जाएगी अभी। माल गोविंदगढ़ में किसी लोकल व्यापारी को जा रहा था, उसकी भी पूछताछ अब आगे की जाएगी अभी।